नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के अपने वीडियो में। और ये आज का तीसरा वीडियो है दोस्तों। अलंकारों से संबंधित वीडियो चल रहे हैं और ये श्रृंखला है वो अनवरत रूप से जारी रहेगी जब तक कि अपने कोर्स में जितने अलंकार हैं वो पूरे नहीं हो जाएंगे। तो ये कल तक शायद पूरे हो जाएंगे और उसके बाद अपना आगे का जो कार्यक्रम है पाठ्यक्रम के अनुसार वो चलता रहेगा। तो जो नए बंधु हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, भरपूर मात्रा में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और देख करके आप ये विश्लेषण करें कि वास्तव में ये उपयोगी है या नहीं है। तो चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है संदेह अलंकार है। और संदेह अलंकार जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई संदेह होता है, यानी वाक्य में कहीं न कहीं संदेह विद्यमान होता है। लेकिन वो संदेह किस कारण से होता है, किस परिस्थिति में होता है, ये हम देखते हैं। और साथ ही साथ उदाहरणों की तरफ भी चलते हैं। आमतौर पर परीक्षाओं के अंदर उदाहरण पूछे जाते हैं और उन उदाहरणों को हम देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं संदेह अलंकार की परिभाषा की तरफ। संदेह अलंकार में उपमेय में उपमान की शंका अंत तक बनी रहती है। तो सबसे बड़ी व्याकरणिक परिभाषा देख लें कि संदेह अलंकार में उपमेय में उपमान की शंका है वो अंत तक बनी रहती है, यानी उपमेय में उपमान की शंका होती है। तो उपमेय और उपमान हमें याद है तो अलंकार भी याद हो जाएगा। तो उपमेय में उपमान की शंका है वो बनी रहती है, और वो भी कब तक बनी रहती है, अंत तक बनी रहती है। तो संदेह अलंकार में उपमेय में उपमान की शंका अंत तक बनी रहती है। और ये शंका किस रूप में बनती है, रंग के कारण से, रूप के कारण से, गुण की समानता के कारण, कि रंग रूप गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर भी किसी प्रकार का निश्चय ना हो कि ये वही वस्तु है या दूसरी वस्तु है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो रंग के कारण से, रूप के कारण से, गुण के कारण से, यानी एक सी वस्तुएं प्रतीत हों और वहाँ पर संदेह हो जाए कि ये वही वस्तु है या दूसरी वस्तु है, और ऐसा अगर संदेह हो तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो कहने का मतलब है कि उपमेय में उपमान की यानी उपस्थिति की शंका बनी रहती है, संदेह बना रहता है। और साथ ही साथ किसी वस्तु के गुण को देख कर, उसके रूप को देख करके और रंग को देख करके हमें संदेह हो जाता है कि अमुक वस्तु वही है या दूसरी है। तो निश्चय हो ही नहीं पाता है कि ये वस्तु वही है। तो संदेह अलंकार है वो बहुत ही सरल सा सीधा सा अलंकार है। अब चलिए उदाहरण की तरफ देते हैं। हरी मुख है या आली कि दो उगे मैंक है। अब इस अलंकार की विशेषता है कि किंदो की आदि का बीच में प्रयोग होता है। तो हरी मुख है या आली कि हे सखी, ये हरी का मुख है यानी भगवान का मुख है या उगयो मयंक है, यानी मयंक और भगवान के मुख में क्या है, संदेह है, उसकी स्थिति बनी हुई है। मयंक और भगवान के मुख में संदेह की स्थिति है कि हे सखी, ये भगवान का मुख है या चंद्रमा उगा हुआ है, चंद्रमा उगा हुआ है या भगवान का श्रीमुख है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। ये मुख है या चंद्र है, तो ये बहुत ही साधारण सा उदाहरण है कि मुख है या चंद्रमा है, यानी मुख और चंद्रमा में संदेह की स्थिति है कि मुख है या चंद्रमा है, दोनों में एक तरह का, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कन्फ्यूज है, कन्फ्यूज का ही दूसरा नाम क्या है, संदेह है। तो मुख है या चंद्र है। केश से मोती झरते हैं या मेघों से पानी, यानी केश से मोती झरते हैं या मेघों से पानी। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में संदेह है, बाल भी काले होते हैं और मेघ भी काले होते हैं, तो दोनों जगह स्थिति एक सी है कि ऐसा लगता है मानो केशों से मोती झर रहे हैं या मेघों से पानी झर रहा है, यानी संदेह की स्थिति बनी हुई है कि केशों से मोती झर रहे हैं या मेघों से पानी झर रहा है, कि बाल मेघों जैसे भी हैं तो बालों से जो पानी झर रहा है तो ऐसा लग रहा है मानो क्या हो रहा हो, मेघों से पानी बरस रहा हो। और कभी ऐसा लगता है कि बाल हैं और उनसे क्या झर रहे हैं, मोती झर रहे हैं, जल की बूंदों के रूप में मोती झर रहे हैं। तो यहाँ दोनों जो है स्थितियों में संदेह की स्थिति है कि मोती झर रहे हैं या बादलों से पानी झर रहा है, तो ये भी संदेह अलंकार है। ये छींटे उड़ते हैं या मोती बिखर रहे हैं, कि ये छींटे यानी पानी के छींटे उड़ रहे हैं या मोती बिखर रहे हैं, तो यहाँ भी संदेह अलंकार है कि ये छींटे उड़ रहे हैं या
छींटे उड़ रहे हैं या मोती बिखर रहे हैं, क्योंकि पानी की बूंदों को या मोती के रूप में संदेह हो रहा है कि यानी ये छींटे हैं या मोती बिखर रहे हैं। नेक्स्ट अपना है, ये सरस ओस की बूंदें हैं या मंगल मोती, और यहाँ पर भी क्या है, एक तरह से संदेह अलंकार है कि ये सरस रस से युक्त ओस की बूंदें हैं या मंगलमय मोती हैं, यानी ओस की बूंदों के अंदर ये संदेह हो जाता है कि ये मोती हैं या ओस की बूंदें हैं। तो यहाँ संदेह की अलंकार की स्थिति है कि यानी बहुत ही सुंदर चमकती हुई मणियों की तरह ओस की बूंदें हैं या मंगलमय मोती हैं। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हुआ कि संदेह अलंकार बन गया। और संदेह अलंकार का जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वो ये है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। तो सारी बीच नारी है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी की साड़ी है, यानी नारी की साड़ी है या साड़ी के मध्य में जो साड़ी है। सारी बीच नारी है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी की साड़ी है। सारी की नारी है यानी ऐसा लगता है मानो साड़ी की नारी नारी बनी हुई हो, या नारी की ही साड़ी है, या नारी की क्या है साड़ी है यानी साड़ी है। तो यहाँ पर सारा का सारा क्या है, कन्फ्यूज है, एक तरह से संदेह अलंकार है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि सारी के बीच में नारी है या नारी की क्या है साड़ी है, सारी की नारी है या नारी की ही साड़ी है। तो ये चित्रण है वो उस वक्त का है जब दुशासन है वो द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तो उस समय यानी सभा के लोगों को ये महसूस हुआ कि सारी के सारी बीच नारी है, कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी की ही साड़ी है, या साड़ी की नारी है या नारी की साड़ी है। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा संदेह अलंकार का सबसे बढ़िया से बढ़िया उदाहरण है। तो सारी सारी का अर्थ यहाँ पर साड़ी से है। अगला है, निंद्रा के अलसित वन में ये क्या भावी की छाया, निंद्रा के अलसित वन में वह क्या भावी की छाया, दीर्घ पलकों में विचर रही या वन्य देवियों की माया, दीर्घ पलकों में विचर रही या वन्य देवियों की माया, कि ये वन्य देवियों की माया है या अलसित वन में भविष्य की छाया है। तो यहाँ पर भी संदेह अलंकार है कि निंद्रा की अलसित वन में वह क्या भावी की छाया यानी भविष्य की छाया है या वन्य देवियों की माया है, यहाँ पर संदेह है वो बना हुआ है कि निंद्रा के अलसित वन में क्या भावी की छाया या वन्य देवियों की माया, दीर्घ पलकों में विचर रही वन्य देवियों की माया, कि ऐसा लगता है मानो वन्य देवियों की माया है वो विचरण कर रही हो। तो एक बार इन उदाहरणों को सरसरी दृष्टि से पुनः देखते हैं, क्योंकि उदाहरणों के आधार पर ही प्रश्न अपना आता है। तो देखिए, हरी मुख ये आली की दो उग्यो मंख है, कि हे सखी ये भगवान का मुख है या चंद्रमा उदय हुआ हुआ है, कि भगवान का मुख है या चंद्रमा उदय हो गया है। अगला है, मुख है या चंद्र है, कि मुख है या चंद्रमा है, तो चंद्रमा और मुख दोनों में क्या है संदेह है। केस से मोती झरते हैं या मेघों से पानी, कि केसों से मोती झर रहे हैं या मेघों से पानी झर रहा है, तो केसों में मेघ का भी भ्रम होता है और बालों का भी भ्रम होता है। तो एक बार ये सोचने में आता है कि मोती झर रहे हैं, दूसरी बार ये सोचने में आ रहा है कि बालों से क्या है पानी झर रहा है। तो पानी भर झर रहा है या मोती झर रहा है, इसमें क्या है संदेह अलंकार है कि केसों से मोती झर रहे हैं या बादलों से पानी झर रहा है। ये छींटे उड़ते हैं या मोती बिखर रहे हैं, कि ये पानी के छींटे उड़ रहे हैं या मोती बिखर रहे हैं। तो पानी के बूंद हैं वो ऐसे लगते हैं मानो कि क्या हों मोती बिखर रहे हों। तो ये छींटे उड़ रहे हैं या मोती बिखर रहे हैं। अगला है, ये सरस ओस की बूंदें हैं या मंगल मोती, कि ये सरस ओस की बूंद है या मंगलमय मोती हैं। ओस की बूंदें हैं वो इस प्रकार का आभास देती हैं मानो क्या हूँ मोती हो, तो मोती जैसा भी आभास हो रहा है और ओस की बूंद भी लग रही है कि ओस की बूंद हैं या मोती हैं। अगला उदाहरण अपना है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की नारी है नारी की साड़ी है, तो साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी की नारी बनी हुई है या नारी की क्या है साड़ी है। तो यहाँ पर
भी क्या है, संदेह अलंकार की स्थिति है वो बनी हुई है। और ये सारा का सारा जो उदाहरण है वो बहुत ही मोस्ट उदाहरण है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है और ये अपने आप में बेजोड़ उदाहरण है। अगला उदाहरण है, निंद्रा के अलसित वन में क्या वह भावी की छाया, कि निंद्रा के आलस्य से भरे हुए वन में या तो वह भविष्य की छाया है यानी सपने के सपना, दीर्घ पलकों में विचर रही या वन्य देवियों की माया, और ऐसा लगता है कि नींद के वन में मानो वन की देवियों की माया है वो विचरण कर रही हो, या तो भविष्य की छाया नजर आ रही है या वन देवियों की माया नजर आ रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए। तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।